मजाज का आशिक उस शिकारी की तरह है जो साया पकड़ ले, साया उसका सरमाया बन सकता है। किस कदर अंधा है वो शख्स जो अपनी जेब से दूसरों का दिल खरीदता है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफ ज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाजा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। अक्ल कब्र से आगे नहीं देख सकती, कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है, और इश्क एक जस्त में जमानो मकान वाली कायनात से आगे निकल जाता है। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर तुम मोहब्बत के साथ नहीं बल्कि नापसंदीदगी के साथ ही काम कर सकते हो, तो इससे बेहतर यह है कि तुम अपना काम छोड़ दो और मंदिर के दरवाजे पर बैठकर उन लोगों से खैरात लो जो मुसर्रत के साथ काम करते हैं। मोहब्बतें खैरात या एहसान नहीं होती, वो तो एजाज होती हैं। आप मोहब्बत करने वाले का एक कीमती लम्हा जो उसने पूरे खुलूस से आप पर वारा था, अदा नहीं कर सकते। इंसान पर ऐसे भी दिन आते हैं जिनमें महज सांस लेना भी बहादुरी होती है। औरत को एक खूबी और एक खामी से नवाजा गया है। खूबी ये कि उसको खूबसूरत बनाया गया ताकि मर्द उससे मोहब्बत कर सके। खामी ये कि उसको बेवकूफ बनाया गया ताकि वो भी मर्द से मोहब्बत कर सके। रिश्ता जो लफ्ज है, इसके मायनी यही हैं कि इनमें खुलूस, अपनायत, एहतराम और इज्जत का होना बहुत जरूरी है। खाली जरूरतें पूरी करने का नाम रिश्ता नहीं होता।